The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। दोस्तों, आज बात करेंगे हम कि आप अपने अंडकोशों का, ये सारा मेल्स के लिए है, फीमेल्स ना देखें, नॉट नीडेड, बट इट्स अप टू यू, आई डोंट नो व्हाई यू आर वॉचिंग, बट ठीक है। ठीक है, मेल्स के जेनाइटल ऑर्गन्स, जिसमें के टेस्टीज होते हैं, टेस्टिकल्स होते हैं, जो स्क्रोटम नामक एक थाइले के अंदर बंद है, जिसके आसपास आपके पीनस है, तो उस टेस्टिकल्स का एग्जामिनेशन क्यों करना पड़ता है, जरूरी क्यों है, क्या इंपॉर्टेंस है, आज उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और इस डिस्कशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एडल्ट्स और मिडिल एज एडल्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिकली एग्जामिनेशन होता है टेस्टिकुलर कैंसर के लिए, और वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ कैंसर है। अगर हम मेल्स की बात करेंगे तो टेस्टिकुलर कैंसर, ऑल्दो कई लोगों को पता नहीं होता कि ये हो रहा है, क्या हो रहा है, और उसको डिटेक्ट करने का पता ही नहीं होता कि ये क्या चीज़ है। अगर उनको कोई गांठ महसूस होती है, कुछ महसूस होती है, तो अगर आप महसूस ही नहीं करोगे, अगर एग्जामिन ही नहीं करोगे, तो कैसे पता चलेगा। जस्ट लाइक फीमेल्स के लिए ब्रेस्ट एग्जामिनेशन उनके लिए ज़रूरी होती है, ब्रेस्ट को एग्जामिन करते रहना चाहिए, वैसे ही एक मेल्स के लिए टेस्टिकल्स का एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी होता है। व्हाई डू यू नीड टू चेक योर टेस्टिकल्स फॉर कैंसर? इंपॉर्टेंट क्यों? हो गया तो हो गया, ऐसे सोचोगे, ऐसा नहीं होता। सम लिटरल रिसर्च ये बताती है कि ये चेकअप से आपको अर्ली स्टेज में आप कैंसर पकड़ सकते हो, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार दिक्कत आगे चल के आती है, आपको पता नहीं चलता क्या हो रहा है अंदर। सो अर्ली स्टेज में अगर आप टेस्टिकुलर कैंसर पकड़ लोगे, राइट, तो बिकॉज ये एक हाई उसकी जो सर्वाइवल रेट्स हैं, दोज आर नॉर्मली हाई, लेकिन जितनी जल्दी होगा उतना जल्दी आप और ज़्यादा अच्छे से ठीक कर पाओगे, और कम से कम आपको कीमोथेरेपी, कम से कम रेडिएशन थेरेपी, कम से कम साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, तो आपकी लाइफ अच्छी बीतेगी, खासकर अगर आपको कैंसर निकल के आता है आगे चल के। तो मिडिल एज के बाद 40 की उम्र के बाद करते रहना चाहिए, 30-40 के बाद। यू शुड परफॉर्म अ सेल्फ एग्जाम टू स्पॉट अ कैंसर एंड इट कैन बी रिमूव्ड वेरी इजीली अगर वो मिल जाए सर्जरी से। अगर आप उसको वहीं के वहीं पकड़ लेते हैं तो केवल सर्जरी से वो फिर निकाल लिया जाएगा। ये बहुत ही अच्छा, टेस्टिकल कैंसर जो है उसको पकड़ लेना बहुत अच्छा होता है। सो आपके लिए दिस इज देयर। सो सवाल पैदा होता है कि हाउ टू परफॉर्म टेस्टिकुलर एग्जामिनेशन, सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ योर टेस्टिकल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी गुड पॉइंट। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द सेशन। हम आपको बता दें, सो हाउ इट इज परफॉर्म्ड, सबसे पहले आपको करना क्या होगा, एक टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन में इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर यू स्टार्ट डूइंग, बिकॉज यू हैव टू फाइंड आउट कि आपको कोई कैंसर तो नहीं हुआ है टेस्टीज में। मेल्स के लिए यू नीड टू नो द एनाटॉमी, आपको पता होना चाहिए कि टेस्टिकल्स होते क्या है और उसमें आपको देखना क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू नो उसमें आपको क्या चीज़ें दिमाग में रखनी है। अगर कोई एक टेस्टिकल बड़ा है, कुछ चीज़ें आप माइंड में क्लियर कर लें, अगर कोई एक टेस्टिकल बड़ा है, दूसरा थोड़ा छोटा है, या एक थोड़ा ऊपर है, एक थोड़ा नीचे है, तो नथिंग टू वरी, ये नॉर्मल है, ठीक है, दैट्स नॉर्मल। एक टेस्टिकल थोड़ा बड़ा अदर देन एक्स, और या फिर थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर, दिस इज नॉर्मल, ठीक है। सेकेंड मिस्टेक है, इट इज़ वेरी ईजी, कभी कभार हम टेस्टिकल्स के आसपास एक एपिडिडाइमस होता है, जिसको हम एक मांस, एक गांठ समझ लेते हैं, वो एक नॉर्मल गांठ है। टेस्टिकल्स के ऊपर एक नसों का गुच्छा होता है, जिसे हम एपिडिडाइमस कहते हैं, जिसके अंदर एक कॉइल्ड सेट ऑफ ट्यूब्स हैं, जो कि आपके स्पर्म्स वहाँ होते हैं, इट इज़ द पोर्शन जहाँ पर आपके स्पर्म्स मैच्योर होते हैं, और या समझ लीजिए स्पर्म्स वहाँ तैरना सीखते हैं, वहाँ क्या स्विमिंग पूल है आपके स्पर्म्स का, तो वो आपका एपिडिडाइमस अगर आपको महसूस होता है, फील होता है, कम्प्लीटली नॉर्मल है, यह आपको आपके टेस्टिकल्स से ज़्यादा सॉफ्ट होगा, महसूस होगा, और उसमें कई सारे छोटे छोटे बम्प्स होंगे, बिकॉज ये लम्प्स ऑफ ट्यूब्स हैं एक तरीके से, वो है, ठीक है, और ये अटैच दिखेगा आपको किसी एक पाइपलाइन से ऊपर भी और नीचे भी, उसके अटैचमेंट दिखेंगे। सो दिस इज़ देयर, ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है टेस्टिस को सेल्फ एग्जामिनेशन करने से पहले। सेकेंड थिंग, आप करेंगे कैसे, पहले तो आपको 5 मिनट चाहिए, जी हाँ, शावर कर रहे हैं, नहा रहे धो रहे हैं,
तो 5 मिनट शावर में आपको सेल्फ एग्जामिनेशन करना है। सबसे पहले आपको याद रखिए, थोड़ा वार्म गर्म या नॉर्मल पानी से आपको शावर करना है, जिससे क्या होगा, आपके जो स्क्रोटम है, जो आपके टेस्टिकल्स के ऊपर का जो स्किन है, वो हो जाएगा रिलैक्स। सो वंस योर टेस्टिकल स्क्रोटम इज रिलैक्स्ड, क्योंकि वो मसल है, वो मसल अगर टाइट होगी तो आपका एग्जामिनेशन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, अगर वो रिलैक्स है तो आप आराम से कर पाओगे। सेकेंड, आपको क्या करना है, एक टेस्टिकल को साइड में कर देना है, पहले एक एक करके एग्जामिन करेंगे, सेकेंड वाले से आपने करना है। तो सेकेंड टेस्टिकल से आप एग्जामिनेशन करोगे और एक फिंगर से उसको फील करोगे, यू विल फील द सरफेस ऑफ द टेस्टिकल्स, देन यू विल चेक फॉर, वो सरफेस स्मूथ होना चाहिए, गोल होना चाहिए, थोड़ा ओवल टाइप होना चाहिए, और यू विल सी कि टेस्टिकल्स के ऊपर कोई बम्प, कोई लंप तो नहीं है, और अगर कोई लंप है तो पेनफुल तो नहीं। अगर कोई कैंसर वैंसर होता है तो वो पेनफुल नहीं होता, याद रखिए, कैंसरस ट्यूमर्स आर नॉट पेनफुल। तो कोई अगर टेस्टिकल्स में बम्प है, लंप है, तो दैट इज टू बी एग्जामिन, उसको फिर अल्ट्रासाउंड करके देखा जा सकता है। अगर कुछ नहीं है तो साइज देखिए, ओवरऑल अगर पहले कभी एग्जामिन किया है तो क्या कोई साइज में चेंज हुआ है, राइट। मोस्ट कॉमनली टेस्टिकल कैंसर जो होते हैं पेनलेस मास होता है, और कुछ केसेस में टेस्टिकल्स की स्वेलिंग हो सकती है, स्क्रोटम की स्वेलिंग हो सकती है, बी अवेयर ऑफ दैट। इसके अलावा टेस्टिकल्स में माइल्ड डलनेस या सोरनेस हो सकती है जो एग्जामिन करते हैं उसके बाद, तो एग्जामिन प्यार से करिएगा, आप ही का सामान है, ज़्यादा जोर न लगाना, ज़्यादा दबा दबा के ऐसी तैसी ना कर लीजिएगा, अपनी खुला एडवाइस है, राइट। तो पहले आपने एक तरफ के टेस्टिकल्स का एग्जामिन किया, साइज देख लिया, शेप देख लिया, राउंडनेस देख ली, कोई साइज में बम्प नहीं है, कोई दर्द नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वैसे ही फिर आपने उसको साइड में करके दूसरा वाला देखा, दूसरे में आपने देखा, अगर जो भी आपको दिखा, जो भी फाइंडिंग दिखी, उसको आपने लिखा, और वो लिखी को लिखित वाली चीज़ को डॉक्टर से, अपने यूरोलॉजिस्ट से आप डिस्कस कर सकते हैं। एज यू सी समथिंग, देखिए आपको कितना रेगुलर करना चाहिए, हर 6-8 महीने में करना चाहिए, 4 से 6 महीने में आप कर सकते हैं, आप डॉक्टर को जाके मिल सकते हैं अगर आपको कैंसर जैसा कुछ भी डाउटफुल लग रहा है। अगर कुछ लग रहा है, नथिंग टू बी एम्बैरस, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा पूछ लेने में कोई नुकसान नहीं है, कोई हर्ज नहीं होता, जाके पूछ लो, विजिट कर लो, अल्ट्रासाउंड हो सकता है, उसमें पेनलेस होता है, बिल्कुल आराम से, रेडिएशन फ्री होता है, कितनी बार कर सकते हैं अल्ट्रासाउंड से पता चल जाएगा। सो आप उसको कायदे से तो वंस अ मंथ भी कर सकते हैं, एवरी मंथ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रेगुलर चेकअप हो जाएगा एक उम्र के बाद, और जब भी मैस्टरबेट करते हो उस समय कर सकते हो, दैट्स अप टू यू। देन मोस्ट मेल जो इंटीमेट होते हैं उनको पता नहीं होता, दे आर समटाइम्स नॉट अवेयर, ज़्यादातर मैन को अवेयरिटी सवे वो अवेयर होते हैं अपने इस टाइप को ऑफ प्रॉब्लम से, कि भाई हाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ये है, और ज़्यादातर लोगों को दिख भी जाता है, महसूस भी हो जाता है, तो भी कुछ नहीं करते। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड, कि अगर कुछ दिख रहा है, कुछ मिल रहा है, तो जाओ, जाके बात करो अपने डॉक्टर से, राइट। पर ऐसा नहीं है कि कोई एक लंप मिली गया, कोई एक गांठ मिली गई तो वो कैंसर ही होगी, ऐसा भी नहीं है, गौर ऐसी चीज ना सोचें। फॉर्चुनेटली ज़्यादातर टेस्टिकल्स में अगर कोई गांठ मिल जाती है वो कैंसर नहीं होती। कोई भी इरेगुलरिटी टेस्टिकल्स में दिख रही है तो और क्या हो सकती है, इट कैन बी अ सिस्ट, टेस्टिकल्स के ऊपर एपिडिडाइमल सिस्ट हो सकता है, वेरिकोसील हो सकता है, वहाँ पर वेरिकोसील्स यानी ब्लड वेसल्स में, वेन्स में सूजन आ गई है, राइट, एपिडिडाइमल सिस्ट हो सकती है, वहाँ पर एक गांठ, पानी की गांठ जमा हो गई है, इंजरी हो जाए, चोट लग जाए, तब भी कुछ दिनों के लिए सूजन आ सकती है, इन्फेक्शन हो जाए तब भी कुछ दिनों में सूजन आ सकती है, और टेस्टिकल्स के आसपास पानी भर सकता है, जिसको हम हाइड्रोसील कहते हैं। तो नॉन कैंसरस चीज़ें 10 में से 9 बार नॉन कैंसरस चीज़ें आएंगी, एक बार आएगा कैंसर। तो ये इसीलिए हर महीने करने को बोला जाता है कि भाई कर लो, कुछ गड़बड़ दिख रही है तो जांच कर लो, कुछ मिल जाएगा तो आपकी आगे की जो आपके मुश्किलात आने वाली हैं वो बच जाएगी। सो ये है बेसिक, कोई ज़्यादा बेसिक में टेंशन नहीं है इसमें। टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन बीच बीच में कर लीजिए, कीजिए, अपने छोटे भाइयों को पूछ लिया करो, कैसे हो, क्या हो, ऑल इज वेल, ठीक है, ऐसे, और दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कोई सवाल है आपके तो सवाल पूछ लीजिए, और अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम है टेस्टिकल्स में या फिर पीनस में, द बेस्ट डॉक्टर्स आर यूरोलॉजिस्ट, डोंट गो अराउंड लुकिंग फॉर अदर डॉक्टर्स, यूरोलॉजिस्ट के पास जाके अपना जांच कराना है। सेक्सुअलॉजिस्ट इज नॉट अ डॉक्टर, वो डिग्री नहीं है, यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है, ठीक है। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हेल्दी।